तो हुआ यूं कि हम जा रहे थे प्रियाकांत जू मंदिर, उसमें बच्चों का था 11:45, 12:45 हो चुके थे और मंदिर हो जाता है 12 बजे बंद। तो हम वहाँ नहीं गए, लकीली हमने देख लिया पहले ही टाइमिंग मंदिर की। और आप भी कभी भी आए तो यहाँ पे मंदिर, हर मंदिर की एक एक टाइमिंग है, आप टाइमिंग को प्लीज़ देख लें, उसके बाद ही घर से निकले वहाँ जाने के लिए, नहीं तो आप फंस सकते हैं। और अभी वैसे भी धूप बहुत तेज़ है यहाँ पे, तो गर्मी में निकलने कोई मतलब है नहीं। तो प्रियकांत जो मंदिर जो है वो 4 बजे खुलेगा शाम को, तो हम 4 बजे के बाद जाएंगे, 5 बजे तक वहाँ पहुँचेंगे। तो फ़िलहाल हम अपनी होटल में आ चुके हैं, हमने भोजन भी नहीं किया था दिन का, तो होटल में आ गए हैं। यहाँ पे भी 12:30 बजे तक किचन खुलता है, तो हम वेट कर रहे हैं। और जैसे ही किचन खुलेगा, रेस्टोरेंट चालू होगा, हम ऑर्डर करेंगे और 4 बजे के बाद हम यहाँ से निकलेंगे प्रियकांजू मंदिर के लिए। हो सकता है शाम को हम प्रियकांजू मंदिर से जल्दी अगर आ गए तो फिर प्रेम मंदिर भी जाएंगे, जो कि हमारी होटल के बहुत पास में है। जितना ज़्यादा हम घूम सकते हैं, जितने ज़्यादा हम यहाँ आने का लाभ ले सकते हैं, उतना लेने की अवश्य कोशिश करेंगे। और क्या बोलते हो आप? बिल्कुल, मैं तो थोड़ा सा थक गई हूँ क्योंकि धूप बहुत है। हाँ, धूप बहुत है, बहुत ज़्यादा। तो खाना खा के फिर निकलेंगे जी। और बहुत ज़्यादा धूप है, एक्सट्रीम हीट है, यहाँ पे लू चल रही है। अगर आप नॉर्थ इंडियन तो आपको लू का मतलब मालूम चल जाएगा कि लू क्या होती है। वैसे आपका ये दुपट्टा बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। क्या लस्सी मंगाई? मैंने लस्सी मंगाई पीने के लिए, 2 दिन से लस्सी पीना है मुझे, पर वो वाली लस्सी पीना है जो रास्ते में मिलती, जो ऐसे मथ मथ के बनाते हैं ना, वो वाली लस्सी का अपना एक अलग ही आनंद है। क्या लस्सी पी रहे हो? वृंदावन की लस्सी। जो भगवान के हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, सदा सुखी हैं। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, राधे राधे गुरु जी। पहले मैं 2 लाइन नारायण भगवान का नाम लेके फिर मैं आपसे प्रश्न करूंगी। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला जग में न्यारी न्यारी, हरि 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 ओम। गुरु जी, मैं जय श्रीमन्नारायण, मैं मेरे पति और मेरे हमारे परिवार की तरफ से आपको जय श्रीमन्नारायण। गुरु जी, मैं मुंबई से आई हूँ। Oh,
इस समय शाम के 7:30 बज चुके हैं और हम लोग हैं प्रियकांजू मंदिर में। काफ़ी लेट आए क्योंकि हमें 4 बजे आना था, पर 4 बजे इसलिए नहीं आ पाए। मैं खाना खाने के बाद देखा कि श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की कथा चालू होने वाली है 2 बजे, तो हम उनके आश्रम में चले गए थे। वहाँ पे मोहिता ने 5:30 बजे तक उनकी कथा सुनी, क्योंकि मोहिता यूट्यूब में रेगुलर ये कथा सुनती है उनकी। यहाँ पे माता वैष्णो देवी मंदिर है जहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है और अंदर जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वो इसलिए कि अगर आपके पास बैग है, कैमरा है, बेल्ट है और कुछ भी चीज़ें वो आपको लॉकर में रखनी पड़ेगी, तो उसके लिए पहले आपको रसीद लेनी पड़ेगी और रसीद लेने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी लंबी लाइन थी। और जो केबिन है यहाँ पे लॉकर, उसमें एक ही इंसान था सिक्योरिटी वाला जो ले भी रहा था और सामान दे भी रहा था, तो कम से कम उसमें 1 घंटा लग गया हमें सामान जमा करने में और उसको निकालने में भी तकरीबन उतना समय लगा। पर अच्छा है, शाम के टाइम आए हैं और भजन कीर्तन चालू हैं और टेम्परेचर भी अच्छा, शूटिंग है, तो हमारे दर्शन हो गए हैं प्रियकांजू मंदिर के। हमने काफ़ी घूम लिया है। प्रियकांजू मंदिर का नाम अगर हम लेंगे तो हमें श्री देवकी नंदन ठाकुर जी का नाम भी लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके सर्वे सर्वा वही हैं और काफ़ी अच्छा बनाया हुआ। उसके ठीक बाजू में आश्रम बनाया है जहाँ पे आप आके रुक भी सकते हैं। वहाँ पे क्या है कैसा क्या मुझे नहीं पता, मैं जा गया भी नहीं हूँ वहाँ पर। हम लोग के दर्शन हो चुके हैं, रात हो चुकी है, अब हम देखते हैं अगर शायद हुआ तो हम प्रेम मंदिर जाएंगे जो कि यहाँ से 4 किलोमीटर दूरी पे है, और वहाँ पे जाके देखते हैं। अगर वहाँ पे टाइमिंग खुला होगा तो हम अवश्य जाएंगे और वहाँ जाके देखते हैं प्रेम मंदिर क्या है।